Hello students, today we are going to discuss the full length test first. I am going to start with question number 21. 21 question. ये डेल्टा एक आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट जो कि आपको कैलकुलेट करना है. दिस इज 1 प्लस एक्स वन वाई वन, 1 प्लस एक्स वन वाई टू, 1 प्लस एक्स वन वाई थ्री. सेकेंड रो है 1 प्लस एक्स टू वाई वन, 1 प्लस एक्स टू वाई टू, 1 प्लस एक्स टू वाई थ्री. एंड थर्ड रो आपके पास एक्स थ्री वाई टू एंड 1 प्लस एक्स थ्री वाई थ्री. ये डिटर्मिनेंट है, चार ऑप्शन है. तो इस डिटर्मिनेंट को आपको कैलकुलेट करना है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दो. C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C2. और एक क्या करें कि C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C3. ये ऑपरेशन हमने लगा दिया. इस वाले ऑपरेशन से हम जानते हैं डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज, डिटरमिनेंट सेम रहेगा. तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास ये आ गई, इसको इसमें से घटाएंगे, वन से वन कैंसिल, एक्स वन कॉमन आ गया, वाई वन माइनस वाई टू, फिर यहां से एक्स टू कॉमन आ गया एंड दिस इज वाई वन माइनस वाई टू, फिर यहां से एक्स थ्री कॉमन आ गया और ये बन गया वाई वन माइनस वाई टू. और इस कॉलम को इसमें से घटा दो, फिर एक्स वन कॉमन ले लो, एक्स वन कॉमन ले लिया, ये आ गया वाई टू माइनस वाई थ्री एंड देन एक्स टू कॉमन आ गया, ये हो गया वाई टू माइनस वाई थ्री, और फिर यहाँ एक्स थ्री कॉमन हो गया y2 टू माइनस वाई थ्री. और थर्ड कॉलम आपका एज इट इज, 1 प्लस एक्स वन वाई थ्री, 1 प्लस एक्स टू वाई थ्री एंड 1 प्लस एक्स थ्री वाई थ्री. ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में से y1 वन माइनस वाई टू कॉमन ले लिया और सेकेंड कॉलम में से आपने ये y2 टू माइनस वाई थ्री कॉमन ले लिया, तो ये y1 माइनस वाई टू फर्स्ट कॉलम में से कॉमन आ गया और यहां से आपके पास y2 टू माइनस वाई थ्री कॉमन आ गया. इनके कॉमन आने के बाद जो पहला कॉलम है वो x1 x2 x3 बन गया और जो दूसरा कॉलम है वो भी आपके पास x1 x2 x3 हो गया और जो तीसरा कॉलम है वो पड़ा ही है इट इज, दो कॉलम सेम हो गई, दो कॉलम सेम हो गई, डिटरमिनेंट आपका जीरो आ गया. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21. तो 21 क्वेश्चन, डिटरमिनेंट जीरो, तो ऑप्शन इसका कौन सा आ गया, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. ये 21 क्वेश्चन हुआ. क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स है एक 5x5 की. क्वेश्चन 22 5x5 की मैट्रिक्स है. मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स को, दिस इज माइनस वन जीरो 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 माइनस टू एंड देन जीरो माइनस वन जीरो माइनस टू जीरो और ये है जीरो जीरो माइनस थ्री एंड जीरो जीरो एंड दिस इज जीरो माइनस टू जीरो माइनस वन जीरो और ये है माइनस टू जीरो 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 और माइनस वन. ये मैट्रिक्स है. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के लिए आपको बोलता है इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है आपको और सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सारी आइगन वैल्यूज के स्क्वेयर्स का सम आपको निकालना है. तो सारी आइगन वैल्यूज पहले निकल जाए. थ्योरी की क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये आपके पास एसबीएस मैट्रिक्स है. एसबीएस मैट्रिक्स हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्केलर और बैकवर्ड स्केलर का सम हो, तो ये स्केलर और बैकवर्ड स्केलर का सम है. ये आपके पास स्केलर तो ये है माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन और माइनस वन, ये तो स्केलर मैट्रिक्स है और जो बैकवर्ड स्केलर है वो आपके पास ये है, ये इस तरह से. तो ये स्केलर और बैकवर्ड स्केलर का सम है. ठीक है, और इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है वो माइनस वन आएगा 5 बार. ठीक है, और इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो है, जो ये बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज 3 बार तो माइनस टू आएगी. ठीक है, और 2 बार 2 आएगी. ये किया था हमने, बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमने थ्योरी में डिस्कस की थी.
ट्रेस आप देख सकते हैं इसका माइनस टू है और इन तीनों का सम करेंगे तो वो भी माइनस टू आएगा, ट्रेस इस मैट्रिक्स का माइनस टू है। अब क्या करना है, अब इनको कॉरस्पॉन्डिंगली एड कर दो, तो वो ये आइगन वैल्यू जिस मैट्रिक्स की है, ये आइगन वैल्यू जिस मैट्रिक्स की है, और क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी स्केलर है तो आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो वो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसा हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कभी डिटेल के अंदर। तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं, जो SBS मैट्रिक्स हमको दे रखी है, इसकी आइगन वैल्यूज आपके पास माइनस वन और माइनस टू का सम करेंगे माइनस थ्री आ गया, फिर माइनस थ्री और ये माइनस थ्री, माइनस वन प्लस टू करेंगे तो वन आएगा और फिर वन आएगा, तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आ गई। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सारी आइगन वैल्यूज के स्क्वेयर्स का सम, तो इनका स्क्वेयर का सम कर दो, 9 + 9 + 9 + 1 + 1 27 और 2 29 आ गया, आंसर हो गया आपके पास 29 इज ए ऑड प्राइम, तो ऑड प्राइम आपके पास आंसर आ गया, दिस इज एन ऑड प्राइम, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सेकंड उसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन में उसने एक सेट दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 23 एक सेट दिया हुआ है, सेट एस, एस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए आई जे, मैट्रिक्स सिंबल है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए आई जे सारे के सारे आर से आ रहे हैं, रियल नंबर्स है, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसका मतलब मैट्रिक्स आपकी आइडेंपोटेंट है, और फिर लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ये लिखा है उसने, मतलब रियल आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस का कलेक्शन है ये, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अब ये बात हमने डिस्कस की थी थ्योरी करते वक्त क्लासेस के अंदर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकेली ऐसी मैट्रिक्स होती है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब इसने बोला आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ऊपर से कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आना चाहिए, तो ऐसी सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्रूफ इज वेरी सिंपल, इट्स प्रूफ इज वेरी सिंपल, अगर डिटर्मिनेंट आपके पास नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसको आप दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, दिस इज ए इनवर्स इंटू ए, आगे आपके पास ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, दिस इज वन लाइनर प्रूफ है खाली। तो सेट एस के अंदर आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो एस सेट में तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स आएगी और वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ये सेट एस बन गया। उसने पूछा है कि सेट एस की कार्डिनलिटी बताओ, तो सेट एस की जो कार्डिनलिटी है वो वन आ गई, सेट एस के अंदर सिर्फ एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो एस सेट की कार्डिनलिटी वन आ गई, कार्डिनलिटी वन आ गई तो ऑप्शन सेकंड हो गया, 23 का जो ऑप्शन है वो आपके पास सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। अच्छा, एक चीज मैंने क्लास के अंदर भी डिस्कस की थी कि कई बार स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर वन आया है, कार्डिनलिटी इसकी एस की कार्डिनलिटी आपके पास वन आई है, लेकिन वन जो वैल्यू है वो ऑप्शन सेकंड पे है, ये मिस्टेक कई बार बच्चे कर देते हैं। CSIR नेट के एग्जाम में जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो ABCD से नहीं आते हैं, वो 1 2 3 4 से आते हैं, और ये एक छोटी सी मिस्टेक कई बार बच्चों को करते हुए देखा गया है कि आंसर आया है वन, कार्डिनलिटी वन आई है, लेकिन वन जो आंसर है वो ऑप्शन टू पे है, तो आपको ऑप्शन टू फिल करना है। कई बार बच्चे जल्दबाजी के अंदर ऑप्शन वन फिल कर देते हैं, आंसर इज वन, ऑप्शन इज टू। 23, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, मेजर थ्योरी का क्वेश्चन है। S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, आउटर मेजर के बारे में बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है S अगर अनकाउंटेबल है, फर्स्ट ऑप्शन S इज अनकाउंटेबल, S अगर अनकाउंटेबल है तो बोलता है उसका आउटर मेजर जीरो आएगा, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, अनकाउंटेबल सेट का आउटर मेजर जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है। अनकाउंटेबल सेट का इसका काउंटर एग्जांपल अगर आपको देना है तो आप ऐसे ही ले लो, कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, 0.1 ये ओपन इंटरवल आपने ले लिया। अब इस ओपन इंटरवल का जो अनकाउंटेबल है ये, हाँ जी बिल्कुल, और इसका आउटर मेजर निकालोगे तो वो तो इसकी लेंथ के इक्वल आएगा, लेंथ इसकी 1 है जो कि 0 नहीं है, तो अनकाउंटेबल सेट का आउटर मेजर 0 होना कोई जरूरी नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी बोलता है कि आउटर मेजर अगर 0 है, आउटर मेजर अगर 0 है तो सेट बताओ कैसा होगा, इससे भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी सेट का आउटर मेजर अगर जीरो आ जाए तो वो बोल रहा है काउंटेबल है, सेट काउंटेबल है, एस काउंटेबल है, एक ऑप्शन में बोलता है एस अनकाउंटेबल है, ये दोनों ही गलत है, दोनों का काउंटर एग्जांपल हम दे सकते हैं, आउटर मेजर जीरो होने से हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं कह सकते हैं,
और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल सेट अगर है तो उसका आउटर मेजर जीरो होता है, ये रिजल्ट है। इफ ए सेट एस इज काउंटेबल देन आउटर मेजर इज जीरो। आउटर मेजर अगर जीरो है तो सेट का काउंटेबल या अनकाउंटेबल होना कोई जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल आपको चाहिए ले लो, आप क्यू ले लो, रैशनल नंबर्स का सेट, उसका आउटर मेजर क्या होता है जीरो, और क्यू आपके पास काउंटेबल है तो वो ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। एक आप कैंटर सेट ले लो, कैंटर सेट हमने किया था थ्योरी में। अब कैंटर सेट, कैंटर सेट का जो आउटर मेजर है वो भी कितना है जीरो, लेकिन कैंटर सेट कैसा सेट है आपके पास, अनकाउंटेबल। तो दोनों तरह का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, किसी सेट का आउटर मेजर अगर जीरो है तो उससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सेट आपके पास काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट, 24 था ये। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में 10 क्रॉस 15 की रियल मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, 10 क्रॉस 15 की मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। सॉल्यूशन होमोजेनियस सिस्टम बना दिया उसने, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो बना दिया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग देन द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो कैन नॉट बी इक्वल टू, इसकी जो डायमेंशन है सॉल्यूशन स्पेस की जो डायमेंशन है वो क्या नहीं हो सकती। तो हम जानते हैं डायमेंशन जो ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस जो आएगी वो आपके पास n माइनस आर आता है, n यहां पर आपके 15 चल रहा है, r इस मैट्रिक्स का रैंक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का रैंक हम जानते हैं कि आपके पास लेस देन इक्वल टू 10 होगा, n माइनस आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 आएगी, 10 क्रॉस 15 की मैट्रिक्स है। तो r अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तो माइनस आर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10 है, 15 ऐड कर दो, 15 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 10 यानी कि 5 आ गया, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गई। तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस 5 या 5 से ज्यादा रहेगा। इसने ऑप्शन दिए हैं कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, तो चार ऑप्शन है। एक ऑप्शन पे 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन स्पेस की जो डायमेंशन है वो 5 या 5 से ज्यादा रहेगी। तो 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 आ सकती है, लेकिन 4 नहीं आ सकती। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट कि 4 नहीं हो सकता। 25, 26 क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट कौन नहीं है। 26, फर्स्ट ऑप्शन है माइनस वन की पावर एन और वन अपॉन फोर एन प्लस फाइव, ये पहला ऑप्शन है, ये हमें देखना कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है या नहीं है। लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट के क्वेश्चन है ये, लेबनीज टेस्ट। अब लेबनीज टेस्ट के अंदर जो एन होता है, ये जो क्वांटिटी है समेशन माइनस वन की पावर एन इंटू एन, तो एन जो लेबनीज वाला बनेगा वो वन अपॉन फोर एन प्लस फाइव बनेगा। अब लेबनीज टेस्ट में दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन तो ये कि जो एन सीक्वेंस है वो जीरो को कन्वर्ज करनी चाहिए, यस कर रही है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस आनी चाहिए, ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए एन, यस वो भी होल्ड कर जाएगा, आप ए एन प्लस वन करोगे लेस देन इक्वल टू ए एन आएगा। तो लेबनीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये सीरीज तो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई है, हमें बताना है नॉट कंडीशनली कन्वर्जेंट। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में माइनस वन की पावर एन और वन अपॉन लॉग एन है, तो अब की बार जो ए एन आपके पास वन अपॉन लॉग एन हो गया, और वन अपॉन लॉग एन भी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा, वन अपॉन लॉग एन जीरो को अप्रोच कर जाएगा और वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के अंदर ये दे दिया उसने आपको वन अपॉन रूट एन, तो अब की बार ए एन की वैल्यू आपकी वन बाई रूट एन हो गई, और वन बाई रूट एन भी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा, तो ये भी कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो पहले तीनों तो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गए, SCQ का क्वेश्चन है, एक ही आंसर ठीक होना है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लेकिन वैसे डिस्कस भी कर लेते हैं फोर्थ को। फोर्थ ऑप्शन के अंदर उसने कहा है कि माइनस वन की पावर n है ये, और ये n अपॉन फोर एन प्लस फाइव है, तो इसके अंदर तो जो जनरल नेसेसरी कंडीशन होती है उसका कंट्रा पॉजिटिव लग जाएगा, इसके ऊपर जब आप लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो इसके ऊपर जब लिमिट लगेगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/4 आ जाएगा। तो इस कंप्लीट को अगर मैं an मान लूं और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने से जीरो आंसर नहीं आएगा, ऐसे कह रहा हूं मैं कि इसके ऊपर अगर आपने लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये आपके पास जीरो नहीं आएगा। तो जो नेसेसरी कंडीशन होती है, जनरल नेसेसरी कंडीशन, उसका कंट्रा पॉजिटिव लग गया, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट ही नहीं है, और कन्वर्जेंट नहीं है तो ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, क्योंकि कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जो खुद कन्वर्जेंट हो और उसकी मॉडुलस वाली सीरीज जो है
वो डाइवर्जेंट हो, लेकिन ये सीरीज तो खुद ही कन्वर्जेंट नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट कंडीशनली कन्वर्जेंट. तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट. 26. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27. 27 क्वेश्चन में दो सेट बनाए हैं उसने, एक S1 बनाया है उसमें लिप्सिस फंक्शंस हैं, एक S2 बनाया है उसमें बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शंस हैं. S1 में लिप्सिस फंक्शंस हैं, S2 में बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शन हैं. और हम जानते हैं एक रिजल्ट कि जो लिप्सिस फंक्शन होता है वो बाउंडेड वेरिएशन होता है. ये किया था हमने, प्रूफ भी सिंपल सा प्रूफ है इसका. लिप्सिस की कंडीशन का यूज करके हम उसको बाउंडेड वेरिएशन प्रूव कर देते हैं. तो एवरी लिप्सिस फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन. तो इसका मतलब जो ये सेट है S1 के, S1 जो सेट है वो आपके पास S2 का एक प्रॉपर सबसेट होगा. ये यूं होगा, S1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ S2, क्योंकि S1 में तो क्या है, सारे लिप्सिस फंक्शंस हैं. और S2 में क्या है, S2 के अंदर आपके पास बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शन है. एंड एवरी लिप्सिस फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ऐसे फंक्शन खूब है, बहुत सारे इन्फाइनेटली मेरे ऐसे फंक्शन है जो कि बाउंडेड वेरिएशन के हैं, लेकिन वो फंक्शन आपके पास लिप्सिस नहीं है, तो इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट आ जाएगा. अब इसके अंदर एक ऑप्शन में ये भी लिखा है कि S1 इज ए सबसेट ऑफ S2 फर्स्ट ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि S1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ S2. और क्योंकि सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो हमें बेस्ट आंसर देना होता है. अगर यही क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा जाता तो फिर हम इसके दो आंसर लगाते. एक बार उसने बोला है कि S1 इज ए सबसेट ऑफ S2, ये बोला हुआ है उसने, और ये प्रॉपर सबसेट बोला हुआ है. ट्रू तो ये भी है और ट्रू आपके पास ये भी है, लेकिन आप सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है तो आप जो ना प्रॉपर सबसेट लगाएंगे, क्योंकि वो बेस्ट आंसर है. प्रॉपर सबसेट सबसेट तो होगा, बट एवरी सबसेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट. देयरफॉर इसका आंसर जो हम लगाएंगे थर्ड लगाएंगे. 27 का थर्ड आंसर आ गया. 28. क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड बाई e की पावर -1/x². अगर x आपके पास नॉन जीरो है, और जीरो अगर x आपके पास जीरो है, ये फंक्शन है. चार ऑप्शन है, f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन जीरो, f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो, f'0 एग्जिस्ट बट f" 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और एक ऑप्शन दिया है f" 0 एग्जिस्ट. ठीक है जी, देखते हैं. सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी के लिए, जीरो के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू जीरो है, और जीरो के ऊपर हमें इसकी लिमिट निकालनी है. तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx अगर हम निकालें तो ये आपके पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो e^-1/x² और ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है यहां पे, तो इसलिए मैं लिमिट ही लिख रहा हूं खाली. और लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1/x², तो ये 1/x² प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये माइनस आगे पड़ा है तो ये कुल मिला के e की पावर -∞ को अप्रोच करेगा, और जो कि आपके पास क्या होता है जीरो. तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो जीरो आ गई, और इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी जीरो के ऊपर जीरो डिफाइंड है. तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस तो ये फंक्शन जीरो पर आ गया. ठीक है, अब हमें देखना है कि ये फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल है क्या. तो डिफरेंशिएबल के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं इसका जीरो पर निकालने जाऊं तो आपके पास ये आया लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx-f0/x-0, ये डेफिनेशन होती है. तो इसको जब हम निकाल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx यानी कि e की पावर -1/x², f0 वो तो जीरो ही है, अपॉन में x-0, ये लिमिट है. और इस लिमिट में क्या है कि e की पावर -1/x² है, अपॉन में x है, इस लिमिट का आंसर जीरो आएगा, इस लिमिट का आंसर जीरो आएगा. ये आपके पास जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, ये ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो को अप्रोच करेगी, नीचे वाली क्वांटिटी भी जीरो को अप्रोच करेगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है. बट एल हॉस्पिटल रूल इस पर काम नहीं करेगा. अगर कोई स्टूडेंट इसके ऊपर एल हॉस्पिटल अप्लाई करने की कोशिश करे ना तो वो नीचे पावर बढ़ती चली जाएगी. इस पर एल हॉस्पिटल से इसकी लिमिट जीरो नहीं आएगी. इसकी लिमिट जीरो इसलिए आती है कि जो ये ऊपर वाला फंक्शन है ना, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, ये दो फंक्शंस जो आपके पास हैं इसकी लिमिट जीरो इसलिए आती है कि ये वाला जो फंक्शन है ऊपर वाला, ये ज्यादा रैपिडली जीरो को अप्रोच करता है इन कंपैरिजन टू एक्स. एक्स जब जीरो को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये ऊपर वाला भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, बट e^-1/x² अप्रोचेज टुवर्ड्स जीरो मोर रैपिडली देन दिस एक्स. इस एक्स से ज्यादा रैपिडली ये जीरो की तरफ अप्रोच करता है, इसलिए इस लिमिट का आंसर जीरो आता है.
इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक बात और बता सकता हूं, यहां पर जो ये नीचे x है ना, इस x की बजाय अगर x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, मतलब x की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो इस लिमिट का आंसर हमेशा जीरो आता है। आई कैन गिव प्रूफ ऑल्सो, मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूं आपको, लेकिन आपको यह बात याद रखनी है। याद रखने के लिए आपको यह देखना है कि e की पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर जो है दैट अप्रोचेज टुवर्ड्स जीरो मोर रैपिडली देन एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। इनफैक्ट रिजल्ट हमारा यह है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन स्मॉल एन, ये रिजल्ट है। तो बाय दिस रिजल्ट वी कैन से के फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो पर जीरो आ गया। उसका प्रूफ हम दे सकते हैं, सिंपल सा प्रूफ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पर एग्जिस्ट कर गया, अभी कर देता हूं मैं, पहले उसका प्रूफ ही कर देता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो पर एग्जिस्ट कर गया, सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम काम करेंगे अभी। ये लीजिए, पहले इसका ही प्रूफ कर देता हूं। लो अब एग्जाम में तो हम प्रूफ करने नहीं बैठते हैं, एग्जाम में तो हमें रिजल्ट ही याद होना चाहिए, बट बात चली है तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। ये देखो e रेज टू पावर वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन वन बाई एक्स स्क्वायर, सही है। e की पावर x हमेशा x से बड़ा होता है, क्योंकि e की पावर x जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर एक फैक्टर तो खुद x ही है, और ये x पॉजिटिव चल रहा है वहां पे 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो e रेज टू पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेट मी डू द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, जीरो से तो बड़ा ही रहेगा ये, e की पावर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, यहां रेसिप्रोकल किया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें से एक एक्स को नीचे ले आओ, एक्स हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, यू को नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, तो इसके अंदर से एक एक्स को आप नीचे ले आओ, तो ये आपके पास आ गया जीरो लेस देन ई की पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स एंड दिस इज लेस देन एक्स, इफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्स को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव के ऊपर भी लिमिट वही आएगी क्योंकि वन बाई एक्स स्क्वायर ऊपर, तो एक्स पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ये चीज आ गई। और अब इसके ऊपर सैंडविच थ्योरम लग गई, स्क्वीज प्रिंसिपल लग गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगाएंगे ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ये जीरो को अप्रोच करेगा, इस पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगाएंगे ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो इस पर जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगाएंगे तो वो भी आपका जीरो को अप्रोच कर गया। तो दिस इज अ टेक्निकल प्रूफ फॉर दिस कि ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आपका जीरो को अप्रोच क्यों करता है। अच्छा, एक स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ सकता है सर आपने तो यहां पर जनरल नेचुरल नंबर लिखा है, तो अगर आपको इससे बड़े किसी नेचुरल नंबर के लिए करना है ना तो फिर आप अगली टर्म ले लो, जैसे इसके अंदर ये e की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर है, हमने ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रखा है, तो आप एक्सपेंशन में अगली टर्म ले लो, जैसे सॉरी मैंने ये बाई 2 फैक्टोरियल भी आएगा, ये एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, जैसे ये होता है। मान लीजिए मैं इसके अंदर ये ले लेता, देखो मैं इसके इस एक्सपेंशन के अंदर से आप इससे नेक्स्ट टर्म उठा लो, थर्ड उठा लो या फोर्थ उठा लो, मान लो मैं इसके अंदर से ये वाली टर्म उठा लूं e की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर की, जो ये वाली टर्म आएगी तो ये आएगा 1 बाई 2 फैक्टोरियल और 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर, ये ऐसे आएगा, ठीक है। और अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर 2 फैक्टोरियल, तो चलिए कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो गया x की पावर 4, ये ऐसे बन गया। और अब इसमें से आपको जितना भी x नीचे स्क्वायर लाना है या क्यूब लाना है तो उसको आप नीचे ले आओ, बाकी उधर छोड़ दो। मान लो मैं नीचे अंडरूट 2 फैक्टोरियल और ये x की पावर 4 है, मैं स्क्वायर नीचे ले आया तो x स्क्वायर नीचे ले आया मतलब डिवाइड कर दिया, x को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं और x स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, और इसको कर दूं तो ये रूट 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर यहां पे रह गया, वो फिर से इसके ऊपर स्क्वीज प्रिंसिपल लग गया। तो डिनोमिनेटर में अगर x स्क्वायर है तो भी आपके पास वो अब जीरो को अप्रोच कर गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में x क्यूब भी ले सकते हो तुम, उधर से x 4 था, x क्यूब को उठा के नीचे ले आओ, स्क्वीज प्रिंसिपल लगेगा, यहां x क्यूब हो जाएगा, यहां x हो जाएगा, सैंडविच थ्योरम जब लगेगी ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये क्वांटिटी आपकी जीरो को अप्रोच करेगी। तो ये एक रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि e रेज टू पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर एन जो है वो हमेशा जीरो को अप्रोच करता है। और ज्योमेट्रिकली आपको इसको या टेक्निकली आपको ये याद रखना चाहिए कि ये ऊपर वाला जो फंक्शन है ये जीरो की तरफ ज्यादा रैपिडली अप्रोच करता है एज कंपेरिजन टू एक्स रेज टू पावर एन, इसलिए जब इसके ऊपर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हम लगाते हैं तो एक्स की कोई भी पावर अगर नीचे रहेगी तो इसका आंसर आपके पास जीरो ही आएगा। ओके, तो फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो तो जीरो पर एग्जिस्ट कर गया, अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम करने जा रहे हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एक बार, एफ डैश एक्स निकाल लो,
जीरो पर तो जीरो निकाल ही चुके हैं, वो तो वो यहां पर तो जीरो आ जाएगा, और इसको आप डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर लो, तो ये बन गया e की पावर माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 अपॉन एक्स क्यूब आ गया साथ में, और x नॉन जीरो हो गया, और जीरो पर हम डेरिवेटिव जीरो निकाल चुके हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने की बात है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब आप निकालने गए तो ये आपके पास f डबल डैश जीरो, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो f डैश x माइनस f डैश जीरो अपॉन x माइनस जीरो, तो ये बन गया आपका लिमिट x टेंड्स टू जीरो f डैश x, तो वहां से वैल्यू रखी जाएगी f डैश जीरो, वो तो जीरो ही है और ये भी जीरो बनेगा, तो उस वैल्यू को रख दूं अगर मैं e की पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में 2 पड़ा है अपॉन में x क्यूब है, एक x यहां पर है, तो ये x की पावर 4 आ गया, और अभी बताया था मैंने रिजल्ट आपको जनरल कि e की पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर ऊपर है और नीचे x की अगर कोई भी पावर है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x 4, x की पावर n अगर कुछ भी है, तो इस लिमिट का आंसर हमेशा कितना आता है, इस लिमिट का आंसर आपके पास जीरो आता है, तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 28, और f डबल डैश जीरो एग्जिस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फोर्थ, तो 28 का फोर्थ हो गया। ठीक है, 29, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें वो बोलता है लेट समेशन an बी ए पॉजिटिव टर्म डाइवर्जेंट सीरीज, ये समेशन an है, पॉजिटिव टर्म डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है, बोलता है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट द सीरीज समेशन ए एन रेज टू पावर के इज कन्वर्जेंट। फर्स्ट ऑप्शन में ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के ऐसे सच दैट समेशन ए एन रेज टू पावर के इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन है। कहता डाइवर्जेंट सीरीज है तो उस डाइवर्जेंट सीरीज की nth टर्म की कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर के करके वो सीरीज कभी ना कभी आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये उसने बोला है, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। काउंटर एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल के लिए आप ये ले लो समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी n, ये सीरीज ले लो, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, डाइवर्जेंट है, और इसके अंदर इस n की कोई भी पावर तुम कर लोगे, पॉजिटिव इंटीजर पावर कोई भी इसकी करोगे, n स्क्वायर करोगे, n क्यूब करोगे, तो वो सीरीज भी डाइवर्जेंट रहेगी। तो इस सीरीज के लिए कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए कि समेशन an रेज टू पावर के आपके पास कन्वर्जेंट हो जाए, तो इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड बोलता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के द सीरीज समेशन an रेज टू पावर के इज डाइवर्जेंट। सेकंड में उसने बोला है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू जेड प्लस द सीरीज समेशन ए एन रेज टू पावर के इज डाइवर्जेंट, ये बोला है उसने, ये भी गलत है। अभी जो मैंने काउंटर एग्जांपल लिया था फर्स्ट के लिए लिया था, वो समेशन एन वो फर्स्ट के लिए था, लेकिन इसके लिए अच्छा उसमें यह चीज होल्ड कर रही थी, जो अभी मैंने काउंटर एग्जांपल लिया था समेशन एन, उसमें तो ये वाला रिजल्ट होल्ड कर रहा है, उसमें तो अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर लगा लोगे तो वो डाइवर्जेंट ही रहेगी, लेकिन मैं ये एग्जांपल ले लूं अगर समेशन एन इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 बाई एन, तो इससे ये सेकंड गलत हो गया, क्योंकि समेशन 1 बाई एन पी टेस्ट से हम जानते हैं डाइवर्जेंट है, और इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर पावर लगानी शुरू करोगे, आप स्क्वेयर करोगे, क्यूब करोगे, तो वो सीरीज तो कन्वर्जेंट आ जाएगी। और इसने क्या बोला है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के द सीरीज समेशन एन रेज टू पावर के इज डाइवर्जेंट, तो ये गलत है, ये इसका काउंटर एग्जांपल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो काउंटर एग्जांपल है वो तो हो गया आपके पास समेशन एन, और सेकंड स्टेटमेंट का जो काउंटर एग्जांपल है वो आपके पास हो गया समेशन 1 बाई एन, तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। थर्ड ऑप्शन बोलता है बोथ आर ट्रू, और फोर्थ ऑप्शन में बोलता है बोथ आर फॉल्स, तो 29 का आंसर आ गया, कौन सा 29 का फोर्थ आ गया, बोथ आर फॉल्स, ठीक है। 30, क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आपके पास पी एक स्टेटमेंट है
उसने लिखा देयर एग्जिस्ट ए वन वन फंक्शन फ्रॉम ए सेट एस टू नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये स्टेटमेंट है पी. एक क्यू स्टेटमेंट है. क्यू स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट ए ऑन टू फंक्शन. देयर एग्जिस्ट ए ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एन टू एस. देखो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा. मुझे स्टेटमेंट्स बोर्ड पर लिखनी पड़ रही है क्योंकि मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मैं एग्जाम पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं. आप जब जो स्टूडेंट बैठे होंगे, हो सकता है कोई बच्चा सोचे सर इतना टाइम लग रहा है, तो मुझे क्योंकि यहां पर लिखना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है. जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठ के जब पेपर सॉल्व कर रहा होगा तो उसको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसके सामने तो स्टेटमेंट होती है, तो डायरेक्टली अपनी कैलकुलेशन करता है. तो देयर एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एन टू एस एंड देयर एग्जिस्ट वन वन फंक्शन फ्रॉम एस टू एन. अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहूंगा, आज 7 तारीख है, 15 दिसंबर का हमारा एग्जाम है. अभी हमारे पास जो ये 6-7 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों के अंदर आप लोगों को डिमोरलाइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप लोग अपने एफएलटी करते रहिए और एफएलटी के मोस्टली डिस्कशन मैं करूंगा, उन डिस्कशंस को आप देखते रहिए. एक बार अटेम्प्ट करिए अपने एफएलटी को और फिर डिस्कशन को आप जो है ना इस पे यूट्यूब पे आने हैं वीडियोस, तो यूट्यूब पे उसको देखते रहिए. इन डिस्कशंस को देखने से, वो डिस्कशन होने से आप लोगों के जो रिकॉल रिजल्ट्स हैं, जो आपने 6 महीने तैयारी करी है और 6 महीने जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और क्लासेस के अंदर जो हमारे डिस्कशंस हुए हैं, तो वो डिस्कशंस, वो रिजल्ट्स, वो सारी चीजें आपकी रिकॉल होनी शुरू हो जाएगी. डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट. आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आप डेली अपना एफएलटी, एक एफएलटी या दो एफएलटी अपने सॉल्व करो और डिस्कशन को उसके बाद देखो. उससे क्या होगा कि आप लोग जो 6 महीनों में हमने काम किया है, सारे रिजल्ट्स, सारी चीजें वो आपको रिकॉल हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आने लगेगा. लास्ट मोमेंट के ऊपर टाइम खराब नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, लगे रहना है आप लोगों को. यस, क्वेश्चन नंबर 30. देयर एग्जिस्ट ए वन वन फंक्शन फ्रॉम एस टू एन. पी स्टेटमेंट है, फिर क्यू स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट ए ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एन टू एस. फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज पी, पी एंड क्यू इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई ईच अदर. और एक ये है कि P और Q कोई भी एक दूसरे को imply नहीं करते हैं. ये दो है. तो पहली स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट ए वन वन फंक्शन फ्रॉम S टू N. अब S से N पर अगर एक वन वन फंक्शन है, F एक फंक्शन है, वो S से लेकर N पर डिफाइंड है और वो फंक्शन आपके पास वन वन है, ठीक है. अब हम जानते हैं अगर वन वन है तो जो कार्डिनलिटी आएगी S की, वो आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ एफ एस के इक्वल आएगी, ठीक है. और कार्डिनलिटी एफ एस की जो आएगी वो ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स आएगी, क्योंकि ए से बी पर अगर फंक्शन है तो जो एफ ए है वो रेंज होती है, ये रेंज है वो कोडोमेन है, एफ एस जो है वो रेंज है, एन जो है वो कोडोमेन है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ एस इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन आएगा. और कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर हम जानते हैं वो अलिफ नॉट है, तो इसका मतलब एस की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू अलिफ नॉट आ गई. यहां से ये निकल गया कि कार्डिनलिटी ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू अलिफ नॉट. इट मीन्स इसका मतलब यह निकला कि S इज काउंटेबल, S इज काउंटेबल, यानी कि S या तो फाइनाइट है और या फिर S आपके पास डिनोमरेबल है, अलिफ नॉट या अलिफ नॉट से कम उसकी कार्डिनलिटी है, तो या तो ये फाइनाइट है या डिनोमरेबल है. तो P स्टेटमेंट से हम ये निकाल पा रहे हैं कि S काउंटेबल है, ठीक है. फाइनाइट भी हो सकता है, वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है. इलस्ट्रेशन ले लो आप, मान लीजिए S के अंदर कुछ भी एलिमेंट है, एक दो दो एलिमेंट, इधर ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे इस तरह से, वन वन पे चला गया, टू टू पे चला गया, बाकी सारे खाली पड़े हैं, तो ये वन वन फंक्शन है. तो S से N पर अगर कोई वन वन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो S हैज टू बी काउंटेबल, S को काउंटेबल होना पड़ेगा. तो जो P स्टेटमेंट है वो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रही है कि S इज काउंटेबल. अब हम Q स्टेटमेंट को देखते हैं, जो Q स्टेटमेंट है वो भी यही कंक्लूजन ड्रॉ कर रही है S इज काउंटेबल. देखिए अब की बार एक फंक्शन F है, वो नेचुरल नंबर्स से लेकर S पर डिफाइंड है, एंड दिस टाइम योर फंक्शन इज ऑन टू. अब की बार फंक्शन आपका ऑन टू है, और फंक्शन अगर ऑन टू है तो दिस क्लियरली शोज के डोमेन, कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो जाएगा, F ऑफ N आपके पास S के इक्वल आएगा. अच्छा ये रिजल्ट हम जानते ही हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एफ एन, कार्डिनलिटी ऑफ एफ एन इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन. बिल्कुल, अगर ए से बी पर कोई फंक्शन हो तो एफ ए की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू ए की कार्डिनलिटी से होती है, रिजल्ट है. बहुत बार डिस्कस किया है मैंने क्लासेस के अंदर, थ्योरी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करे थे इसके ऊपर, और बस उस एफ एन की वैल्यू यहां डाल दो,
एफ एन की वैल्यू जब आपने यहां पर डाल दी एस, तो आपके पास आ गया कार्डिनलिटी ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन, जो कि आपके पास क्या होता है अलिफ नॉट, तो फिर वही कंक्लूजन निकल गया एस इज काउंटेबल। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इसी कंक्लूजन को निकालती है कि एस इज काउंटेबल, कि एस आपके पास काउंटेबल है। तो दीज बोथ दीज टू स्टेटमेंट्स इंप्लाइज ईच अदर, तो इसका आंसर आ गया पी इफ एंड ऑनली इफ क्यू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, जो कंक्लूजन आपका ड्रॉ कर रही है वो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रही है कि एस इज काउंटेबल, तो पी क्यू को इंप्लाई करेगा और क्यू आपका पी को इंप्लाई करेगा, पी एंड क्यू इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई ईच अदर। थर्टी नाउ देयर इज ए क्वेश्चन नंबर 31, ये बोलता है लेट जे डिनोट्स द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स हुज कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलीनोमियल आर गिवन बाय दिस सी एक्स, दिया है आपको x माइनस टू की पावर 4 और x माइनस 3 की पावर 3, और जो एम एक्स है वो उसने दिया है आपको x माइनस टू का क्यूब और इनटू में x माइनस 3 का स्क्वायर, ये कोई एक मैट्रिक्स है उसका डाटा है, 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है क्योंकि सी एक्स की डिग्री 7 है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल की जो डिग्री है वही मैट्रिक्स का साइज होता है। क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन जे, तो इसकी बना लेते हैं हम इसकी जेसी फॉर्म, तो यहां से जो पार्टीशन आएगा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 इज इक्वल टू 3 प्लस बनाएगा, और यहां से जो पार्टीशन आएगा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस बनाएगा, तो जो जेसी फॉर्म बनेगी, जेसी फॉर्म आपके पास ये बन जाएगी डायगनल के ऊपर, ये ब्लॉक्स के साइजेज हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू 2, तो दिस इज बी 3 2 एंड दिस इज बी 1 2, और यहां से आएगा B ब्लॉक का साइज 2 हो गया और आइगन वैल्यू आपकी 3 है और फिर ब्लॉक का साइज 1 और 3, ये आपके पास जेसी फॉर्म बन गई। तो इसको प्रॉपर लिख देता हूं मैं, तो इस J को मैं लिख रहा हूं 7 क्रॉस 7 की जो ये मैट्रिक्स बनेगी वो आपके पास ये बनेगी कि इसके अंदर B 3 2 है, तो दिस इज 3 साइज का ब्लॉक है 2 1 0 0 2 1 0 0 2, ये आ गया एक, फिर ये B 1 2 है तो ये 2 ब्लॉक आ गया यहां पर, फिर B 2 3 है तो दिस इज योर 3 1 0 3 एंड दिस इज योर 3, ये बाकी जो सारी एंट्रीज है वो जीरो आएगी। अब उसने पूछा है कि नॉन जीरो एंट्रीज बताओ जेसी फॉर्म में कितनी बनेंगी, तो कर लो काउंट इनको, 7 तो ये हैं और 8 9 10, तो इट्स आंसर इज 10, तो 31 का आंसर 10 आ गया, ऑप्शन 3 आ गया। 32 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32, आर स्क्वेयर से आर पे एक फंक्शन दिया हुआ है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स वाई स्क्वेयर, ये फंक्शन है। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 1, -1 इन द डायरेक्शन -1, -1, तो आपको यह चाहिए डी एफ एट द पॉइंट 1, -1 और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है -1, -1। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कई बार, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के क्वेश्चन, बस डेफिनेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड और कुछ नहीं है इसके अंदर। दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये आपके पास बन जाएगा जो ये पॉइंट होता है, इसको लिखते हैं पीछे, तो ये आपके पास लिखा आपने एफ 1, -1, अच्छा नीचे एच आता है यहां बीच में माइनस आएगा, और थ्योरी जब मैं तुम्हें करा रहा था तो मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन होती है उसको एच से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होता है, तो इसको एच से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा एफ 1, -h और यहां पर आ जाएगा -1, +h, ये चीज आ गई। बस अब इसको कैलकुलेट कर दो, फंक्शन की डेफिनेशन आपको दी हुई है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1, -h, तो ये हो गया आपके पास 1, -h का क्यूब प्लस 4 टाइम्स 1, -h एंड दिस इज योर -1, +h का स्क्वायर एंड दिस इज -1, -1 इसमें रखेंगे, यहां से 1 आएगा, यहां से आपका 4 आएगा तो माइनस का 5 बन गया, अपॉन में आपके पास h हो गया। बस आप इस लिमिट को कैलकुलेट कर लेना, आई थिंक इसका आंसर 4th आएगा, नन ऑफ दीज जो इसने लिखे हुए वो नहीं आएंगे इसमें, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर की कॉम्प्लेक्स और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं। 33 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है। कहता है एफ आपके पास एक एंटायर फंक्शन है, ठीक है, एफ इज एंटायर, ये दिया हुआ है। बोलता है देन एफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट आएगा, ऐसे बोला है, फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू सी, एक तो ये बोला है उसने, और दूसरा उसने ये बोला है कि नहीं आएगा एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट, आपका एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट के इक्वल कभी नहीं आएगा, फिर से फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू सी है। ये दोनों ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एंटायर फंक्शन के केस में एफ जेड कंप्लीट का कॉन्जुगेट और एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट दोनों इक्वल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। एक शिवार्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल होता है, इनफैक्ट उसको भी मैं डिस्कस करूंगा कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में, इसमें अगले किसी एफएलटी में आ जाएगा। तो मैं यहां पर तो काउंटर एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे आपको एंटायर फंक्शन देना है और आप कह रहे हैं कि एफ ऑफ जेड कंजुगेट एफ जेड कंजुगेट दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये वाले जो फंक्शन होते हैं जैसे ई की पावर जेड है, साइन जेड है, कॉस जेड है, साइन हाइपरबोलिक जेड है, इन पर तो होता ही है, इन पर तो होता है। स्टूडेंट कई बार मिस्टेक कर देता है, उसे लगता है इन पर अगर ये हो रहा है तो ये हर जगह होगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो सपोज करो मैं एंटायर फंक्शन आपके पास ये ले लेता हूं, जेड प्लस आयोटा मैंने ले लिया, ऐसे पॉलिनोमियल ले लो और किसी कोफिशिएंट को आयोटा ले लो, आप इमेजिनरी ले लो मतलब के, तो अब इसके केस में ये होल्ड नहीं करेगा, फंक्शन एंटायर है क्योंकि पॉलिनोमियल है। इन केसेस के अंदर तो ये चीज होल्ड करती है इनमें, तो इन इनकी वजह से मैं इसको गलत कर सकता हूं कि ये ऑप्शन आपके पास गलत हो गया कि एफ ऑफ जेड कंजुगेट एफ जेड कंप्लीट का कंजुगेट और एफ ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल नहीं आएंगे। इनके लिए तो काउंटर एग्जांपल हम ये वाले दे देंगे, और उस फर्स्ट वाले के लिए काउंटर एग्जांपल अगर आपको देना है तो वो काउंटर एग्जांपल आप यहां से दे दो, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एफ ऑफ जेड कंजुगेट अगर मैं निकालूंगा तो वो तो इतना आया जेड कंजुगेट प्लस आयोटा, लेकिन अगर मैं इसमें कंप्लीट का कंजुगेट निकालूंगा तो वो आपके पास कंप्लीट का कंजुगेट आप करेंगे तो जेड प्लस आयोटा कंप्लीट का कंजुगेट और ये क्या हो गया जेड कंजुगेट माइनस आयोटा, तो दिस टू आर नॉट इक्वल, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। तो एंटायर फंक्शन अगर कोई है तो एफ जेड कंप्लीट कंजुगेट एंड एफ ऑफ जेड कंजुगेट दोनों का इक्वल होना या ना होना कोई जरूरी नहीं होता है, तो ये दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर आ गया बोथ आर फॉल्स, तो 33 का फोर्थ आंसर आ गया है। इसके लिए काउंटर एग्जांपल चाहिए आप ये दे दो जेड प्लस आयोटा, और इसके लिए काउंटर एग्जांपल चाहिए तो आप ये दे दो साइन जेड कॉस जेड ई की पावर जेड वगैरह, तो ये दोनों ही गलत है। एक रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल होता है इसके लिए, तो उसको मैं आगे कहीं डिस्कस कर दूंगा, क्वेश्चन आएगा ही उसके ऊपर किसी ना किसी एफएलटी के अंदर पक्का। थर्टी फोर द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटेग्रल का क्वेश्चन है। 34 आपको ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये dz, ये इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। c डिनोट्स द सर्कल, c आपके पास ये सर्कल है, z माइनस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 2, तो इसको अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास हो गया, ये सर्कल बनेगा इस तरह से, सेंटर इसका आयोटा है, ये नीचे ये आयोटा है, ये नीचे वाला पॉइंट माइनस आयोटा हो गया, रेडियस 2 है, और ये वाला पॉइंट आपका 3 आयोटा हो गया, दिस इज 3 आयोटा। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर मैं देखूं इसके फैक्टर अगर मैं कर दूं नीचे तो 1 अपॉन दिस इज जेड प्लस 2 आयोटा और ये जेड माइनस 2 आयोटा कंप्लीट का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं आप इसको dz, ये फंक्शन है। अब इसकी दो सिमिलरिटीज हैं, एक 2 आयोटा और एक माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा तो बाहर पड़ी है, माइनस 2 आयोटा तो यहां होगा तो वो सिमिलरिटी तो बाहर है, 2 आयोटा यहां होगा तो वो एक सिमिलरिटी अंदर है, ये वाली सिमिलरिटी अंदर है आपके कंटूर के अंदर, ये कंटूर आपका सी है, तो एक सिमिलरिटी इसके अंदर है 2 आयोटा, तो रेसिड्यू थ्योरम हम लगा देते हैं। मैंने बताया था थ्योरी की क्लासेस के अंदर कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जब आपको निकालना होता है तो रेसिड्यू थ्योरम इज द बेस्ट। वैसे तो हम इसको वो डिफॉर्मेशन वगैरह से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको फोर्थ चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर कराए थे, लेकिन हम इसको रेसिड्यू थ्योरम से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो एक सिंगुलरिटी अंदर है तो आई कैन से 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेसिड्यूज, सम तो एक ही है तो सम तो हो गया ही नहीं,
तो हम बोल देंगे रेसिड्यू निकाल दो इसी फंक्शन का कंप्लीट का, तो वन अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस फोर ही लिख दिया मैंने इसको दोबारा से, बल्कि ऐसे लिख देता हूं, जेड प्लस टू आयोटा और जेड माइनस टू आयोटा कंप्लीट का स्क्वेयर, इसका रेसिड्यू निकाल दो फंक्शन का, किस पॉइंट पर, जेड इज इक्वल टू टू आयोटा पर इसका रेसिड्यू निकालना है आपको। अब जेड इज इक्वल टू टू आयोटा इसके लिए दो ऑर्डर का पोल है, दो ऑर्डर का पोल है तो ये आपके पास हो गया टू पाई आयोटा, चलने दो रेसिड्यू निकालता हूं। तो इस फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन जेड माइनस टू आयोटा के स्क्वेयर से, तो ये चीज तो कट जाएगी, ये चीज कंसील हो जाएगी, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसका एक डेरिवेटिव किया जाएगा। तो ये डेरिवेटिव कर दिया आपने, डी बाई डी जेड वन अपॉन जेड प्लस टू आयोटा का स्क्वेयर, इसका एक डेरिवेटिव होगा। एक डेरिवेटिव होने के बाद फिर इसके ऊपर वन फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे वो तो खत्म हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी जेड टेंड्स टू टू आयोटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं दिस इज टू पाई आयोटा। अब ये लिमिट जेड टेंड्स टू टू आयोटा हम इस पर लगा देंगे, एक डेरिवेटिव उसका कर देते हैं, तो नीचे क्यूब हो जाएगा, ऊपर आपके पास माइनस का टू आ गया, नीचे ये जेड प्लस टू आयोटा का क्यूब हो गया ऐसे। तो और अब इसके अंदर बस जेड को टू आयोटा जस्ट पुट कर दो सिंपली, तो ये आपके पास हो गया टू पाई आयोटा, माइनस का टू ऊपर पड़ा है, दिस इज योर माइनस फोर पाई आयोटा ऊपर हो गया, नीचे यहां पे आपने टू आयोटा पुट किया, फोर आयोटा का क्यूब, तो फोर का क्यूब हो गया 64, आयोटा का क्यूब करेंगे तो वह आ जाएगा माइनस आयोटा, तो ये आयोटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 16 आ गया, तो दिस इज योर पाई बाई 16 इज द आंसर, पाई बाई 16 इसका आंसर बन गया। तो सिंपल क्वेश्चन है रेसिड्यू थ्योरम का, तो ऑप्शन इज फोर्थ, 34 था ये। कम टू द क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, द इमेज ऑफ द डिस्क मोड जेड लेस देन इक्वल टू वन, मोड जेड लेस देन इक्वल टू वन की इमेज आपको चाहिए। ये फंक्शन दिया हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा एंड दिस इज योर वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड की इमेज आपको ये चाहिए, ये क्या आएगा यहां पे। तो बाउंड्री के लिए निकाल लेते हैं पहले, जैसे कि देखते हैं मोड जेड लेस देन इक्वल टू वन, तो ये आपके सर्कल बना है अंदर वाली, ये क्लोज डिस्क हो जाएगी, इसकी मेरे को इमेज चाहिए यहां पर क्या है नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पोल है वो माइनस वन है, और माइनस वन यहां पर बाउंड्री पर है, और ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर कराया था कि जो आपके पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो पोल है अगर वो आपकी कर्व की बाउंड्री पर आ जाए, मतलब सर्कल पर आ जाए या स्ट्रेट लाइन पर आ जाए, तो जो उसकी इमेज है वो हमेशा लाइन बनती है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि जो ये सर्कल है इस सर्कल की जो इमेज आएगी वो यहां पर एक लाइन आएगी, इट इज डिसाइडेड। अच्छा एक चीज और हम डिस्कस किया करते थे क्लास के अंदर कि अगर राइट साइड के अंदर इमेज जो है अगर वो एक लाइन आ रही है तो आप वो काम बचा सकते हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला काम आप बचा सकते हैं, जैसे जेड की वैल्यू निकाल के हम उसके अंदर पुट किया करते थे उसको बचा सकते हैं, क्योंकि ए लाइन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय जस्ट टू पॉइंट्स। अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट अगर पता है तो आप उन दोनों पॉइंट्स को मिला के बढ़ा देंगे तो वो लाइन मिल जाएगी। तो उसके लिए जैसा कि हम थ्योरी में किया करते थे कि मैंने आपको बोला था कि जो सर्कल या लाइन आपका जो भी है उसके आप कोई दो सुटेबल पॉइंट ले लो छोड़ के पोल को, और उनको आप अपनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर लो, तो आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे, और वो दो पॉइंट आने के बाद आप उनको मिला के बढ़ा दो। तो मैं क्या करता हूं ना, इसमें से जेड को मैंने एक बार जीरो बाउंड्री पर से लेना, ये वन ले लिया मैंने, तो अगर मैं इसके अंदर जेड को वन पुट कर दूं तो जेड को अगर आप वन पुट करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो लाइन का एक पॉइंट, तो इसका मतलब ये आ गया जो लाइन बनने वाली है राइट साइड में उसका एक पॉइंट ही आ गया। अच्छा एक और हम जेड को ले लेते हैं, ये इसके ऊपर से ले लिया मैंने आयोटा ले लिया, तो जेड को अगर मैं आयोटा पुट कर दूं तो मैं देख रहा हूं कि डब्ल्यू कितना आएगा, आयोटा एंड दिस इज वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा, ये बन गया आपके पास आयोटा, ये सॉल्व हो गया माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये कितना हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर करके वन आ गया, तो इसका मतलब ए लाइन का एक पॉइंट आपके पास ये हो गया, तो लाइन के दो पॉइंट आपको मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला के बढ़ा दिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बढ़ा दिया, ये इमेज आ गई, ये सर्कल की इमेज आई है, दिस इज इमेज ऑफ द सर्कल। और हमें इंटीरियर का आंसर निकालना है कि भाई अंदर वाला पोर्शन कहां जाएगा, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अंदर से एक पॉइंट उठाएंगे
एक पॉइंट उठा के आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर देंगे, और पुट कर देंगे तो वो इस लाइन के एक साइड का पॉइंट आ जाएगा, जिस भी साइड वो पॉइंट आएगा बाकी सारे पॉइंट्स भी उसी साइड जाएंगे। तो आपने यहां से मान लो जेड को जीरो उठा लिया, इसके अंदर जीरो रख दिया आपने, जेड को जब आपने जीरो पुट किया तो आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू आयोटा आ गई, आयोटा आ गई यानी कि यहां आ गया जीरो पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपके पास है यहां गया, इसका मतलब जो इंटीरियर है वो अपर हाफ प्लेन पे जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये जो है इसकी आंसर आ गया वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये जो इमेज है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये ऊपर वाला पोर्शन करना है तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 35 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है सेकंड। द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, 36 आ गया, सीरीज दे दी उसने समेशन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जेड अपॉन वन माइनस जेड की कंप्लीट की पावर एन, ये सीरीज दे दी, इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आपको बताना है। तो ये तो आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, जीपी है, और ज्योमेट्रिक सीरीज का जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है वो होता है जो कॉमन रेशियो है उसका मॉडुलस आपका स्ट्रिक्टली एक से कम रहना चाहिए। कॉमन रेशियो यहां पर जेड अपॉन वन माइनस जेड है, तो सीधी सी बात है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इज जेड अपॉन वन माइनस जेड का मोड लेस देन वन, बस खत्म, ये इसका डोमेन हो गया, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ही आ गया। इसने बोला इंटीरियर ऑफ ए डिस्क, एक्सटीरियर ऑफ ए डिस्क, हाफ प्लेन एंड नन ऑफ दीज, ये हाफ प्लेन ही आएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो ये आ गया आपके पास मोड जेड लेस देन, इसको उठा के उधर ले गए और इसको जेड माइनस वन कर लिया वैसे भी, और स्क्वेयर भी कर लिया, ये इसका स्क्वेयर, ये इसका स्क्वेयर, और अब इसको खोल दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहां से कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वेयर इधर कट जाएगा, वाई स्क्वेयर भी कट जाएगा, उधर जीरो बच गया लेस देन करके, यहां क्या बच गया, यहां पे आ गया माइनस का 2x प्लस का 1, तो 2x ऐड कर दो तो 2x इज लेस देन 1, इट मींस x इज लेस देन 1 बाय 2, ये आपका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। x इज लेस देन 1 बाय 2 मींस आपके पास x की वैल्यू a, ये 1 बाय 2 वाली लाइन है, इससे लेफ्ट वाला जो पोर्शन है ये आपके पास डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। एंड ऑफ कोर्स दिस इज हाफ प्लेन, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी लगा दी जाए उसका एक साइड का पोर्शन हाफ प्लेन होता है, दूसरी साइड का पोर्शन अदर हाफ प्लेन होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कई बार स्टूडेंट्स ये सोच बैठते हैं कि हाफ प्लेन तो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही बनते हैं, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी कोई भी लाइन खींच देंगे तो उस लाइन के एक साइड के पोर्शन को और दूसरे साइड के पोर्शन को हाफ प्लेन ही बोलते हैं हम, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन है ये, तो उसको हाफ प्लेन ही बोला जाता है। 36 हो गया, 37 क्वेश्चन नंबर 37। इफ टो एन डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन देन टो एन इज इवन इफ, ये टो एन दे दिया उसने। अच्छा ये हम जानते हैं एन अगर ऐसे हो पी वन की पावर के वन, पी टू की पावर के टू और पी आर की पावर के आर, वेयर पी आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, तो ये इस तरह से एन अगर लिखा है तो टो का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टो एन जो होता है वो ये बनता है K1 प्लस वन के टू प्लस वन पावर्स के अंदर वह एक ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, ये टॉ का फॉर्मूला है। बोलता है टो एन इज इवन, ये इवन आपको लेके आना है। अब ये इवन आप कब आएगा, जब इनमें से कोई ना कोई एक ब्रैकेट, कम से कम एक ब्रैकेट इवन बने तभी ये प्रोडक्ट इवन आएगा। इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर इवन आ रहा है तो उनमें से कोई ना कोई एक तो इवन होना चाहिए, और इनमें से कम कोई एक ब्रैकेट अगर इवन रहेगा तो वो जो के आई है वो आपके पास ऑड होगा। तो टोएन इज इवन, टोएन इज इवन इफ एंड ओनली इफ, बोल सकता हूं मैं इफ एंड ओनली इफ के आई इज ऑड फॉर सम आई, ये जनरलाइजेशन में दे सकता हूं इसका कि टोएन इवन बनेगा अगर कोई ना कोई K1, K2, KN में से, KR में से कम एक ऑड आए, इनमें से कोई भी एक ऑड आ गया तो प्लस वन करने के बाद एक ब्रैकेट इवन आ जाएगा, और एक भी ब्रैकेट अगर इनमें से इवन हो गया
तो जो कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो इवन रहेगा, ठीक है। अच्छा, कोई एक के आई अगर ऑड आया तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। परफेक्ट स्क्वायर जब कोई नंबर होता है ना, तो उसका जब हम प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स इवन होती हैं, तभी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना। जैसे ऐसे लिख दिया जाए 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, 11 की पावर 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके अंदर से आप पावर्स में से 2 बाहर निकाल देंगे। इसको आप यूं लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एक कंप्लीट का ये स्क्वायर हो गया। अगर एक भी पावर अगर आपके पास ऑड हो गई तो फिर वो नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो के आई अगर ऑड आ गया किसी एक के लिए भी, तो यहां से मैं बोल सकता हूं इफ एंड ऑनली इफ एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो एन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका आंसर आ गया सेकेंड, 37 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। 38 अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 997, क्वेश्चन नंबर 38 है, 997 के आपके पास आपको देखने हैं कि कितने अबेलियन ग्रुप आएंगे। अब चेक कर लेना 997 आपके पास एक प्राइम है, 997 इज ए प्राइम, और अगर ये प्राइम है तो 997 ऑर्डर का तो कोई भी जो अबेलियन ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा, इनफैक्ट एक ही होगा प्राइम ऑर्डर के लिए, तो आपके पास अप टू आइसोमॉर्फिज्म एक ही ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप, जेड पी कह सकते हैं आप उसको। तो इसने पूछा 997 ऑर्डर के नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप कितने होंगे, तो 997 इज ए प्राइम, आप इसको डिसाइड करना। डिसाइड करने का तरीका सी ऑफ इलाटॉस दिनिस, मैंने थ्योरी कराते वक्त आप लोगों को कराया था, 997 का आप स्क्वायर रूट कर लेना, और स्क्वायर रूट करके 31 या 32 33 तक जो भी जो प्राइम्स आएंगे उन सारे प्राइम्स से इसको डिवाइड करके देखना, और उनसे अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो 997 आपके पास एक प्राइम हो जाएगा, और प्राइम हो जाएगा तो हम ये कह पाएंगे कि 997 ऑर्डर का आपके पास सिर्फ एक ही नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा। तो 38 क्वेश्चन का आंसर आ गया फोर्थ, आंसर इज फोर, ऑप्शन इज फोर्थ, आंसर इज वन, ऑप्शन इज फोर्थ। 39 अब इसको इस 38 क्वेश्चन में यही किया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन पर तो 4 लिखा हुआ है और फोर्थ ऑप्शन पे 1 लिखा हुआ है, और इसका जो आंसर है वो 1 आया है और वो लिखा हुआ है चौथे ऑप्शन पे, तो ऑप्शन फोर्थ भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, जेड 223 आयोटा, एक लिखा है जेड 227 आयोटा, एक लिखा है जेड 229 आयोटा, और एक लिखा है जेड 239 आयोटा। ये क्वेश्चन है, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन पूछा है उसने। अच्छा, फाइनाइट रिंग्स है, ये फाइनाइट रिंग्स है, कॉम्यूटेटिव रिंग्स है, विद यूनिटी है, होंगे तो ये फील्ड होंगे या नहीं तो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन बन गया तो फील्ड बन जाएगा। अच्छा, रिजल्ट ये है जेड पी आयोटा इज ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ पी इज ए प्राइम ऑफ द टाइप 4k+3। ये रिजल्ट है। अच्छा, इसी रिजल्ट का नेगेशन फिर क्या है? इस रिजल्ट का नेगेशन ये है जेड पी आयोटा इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, जेड एन करता हूं बल्कि मैं, जेड एन आयोटा इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। कॉम्यूटेटिव रिंग तो ये है, विद यूनिटी भी है, और इंटीग्रल डोमेन अगर विदाउट जीरो डिवाइजर से अगर ये हो गया तो इंटीग्रल डोमेन हो गया, तो फिर फील्ड हो जाएगा वेडरमैन थ्योरम से। इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आइदर एन इज नॉट ए प्राइम, आइदर एन इज कंपोजिट पॉजिटिव इंटीजर है, और n इज ए प्राइम
of the type 4k plus 1, of the type 4k plus 1, ये result बन गया ना आपका. उसने कहा not an integral domain. तो आप चेक करना एक बार 223 prime तो ये सारे आएंगे, आप चेक कर लेना prime तो ये चारों के चारों हैं. और हमें देखना है 4k plus 1 टाइप का prime कौन है. तो 223 चार पंजे, सिर्फ लास्ट के दो डिजिट देख लो, चार पंजे 20 3 आएगा. ये 4k plus 3 टाइप का है, 4k plus 3 टाइप का है, तो ये तो इंटरनल डोमेन बनेगा, फील्ड बन जाएगा. अच्छा 227 चार छिक 24 3 बचेगा, ये भी 4k plus 3 टाइप का है, तो ये भी फील्ड हो जाएगा. 229 सिर्फ 29 पर फोकस अगर हम करें तो 4 7 28 ये 4k plus 1 टाइप का है, तो ये इंटरनल डोमेन भी नहीं बनेगा. एंड 239 आप चेक कर लेना प्राइम तो ये है, और 4 निम 36 3 बचेगा, ये 4k plus 3 टाइप का है. तो ये पहला दूसरा और चौथा ये आपके पास फील्ड है, और जो ये वाला है 229 एक प्राइम तो है लेकिन वो प्राइम 4k plus 1 टाइप का है, 4k plus 1 टाइप का है, तो दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. तो इस क्वेश्चन को नॉट एन इंटीग्रल डोमेन ही बताना था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड हो गया. ठीक है 40, क्वेश्चन नंबर 40. तो प्राइम ये सारे हैं, आप चेक कर लेना 239 15 का स्क्वायर 225 होता है, 17 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप सिर्फ 13 तक के प्राइम से डिवाइड करके देख लेना. सी ऑफ रेटॉस दिनिस मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते वक्त. क्वेश्चन नंबर 40, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड यू बी ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर. यू इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, जहां पे के आर आपके पास एक सी आर यू है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है. यूएक्स के बारे में पूछ रहा है कि यूएक्स मैक्सिमल आइडियल होगा या आइडियल ही नहीं होगा या नहीं होगा, यूएक्स आर एक्स का कैसा आइडियल होगा. तो यूएक्स ये आर एक्स का कैसा आइडियल होगा, पहली बात तो आइडियल होगा कि नहीं होगा, एक ऑप्शन में यह भी लिखा है कि आइडियल ही नहीं होगा. तो मैं देखता हूं आइडियल प्रूव कर लेते हैं पहले. तो मान लो कॉमन सेंस की बात है, एफ एक्स और जी एक्स है, सपोज वो आपके हो यूएक्स को बिलोंग करते हैं, तो उनका डिफरेंस भी यूएक्स में आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स के अंदर जो कॉफिशियंट्स हैं वो सारे यू में से आएंगे, जी के जो कॉफिशियंट्स हैं वो भी सारे यू में से आएंगे. एफ एक्स माइनस जी एक्स करोगे तो कॉफिशियंट्स घट जाएंगे, और यू आपको ऑलरेडी एक आइडियल दिया हुआ है तो कॉफिशियंट्स का डिफरेंस भी आपका यू में आएगा, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स आपका यूएक्स में आ जाएगा. पहली कंडीशन तो हो जाएगी. सेकेंड कंडीशन के लिए आइडियल की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो करने के लिए एक एलिमेंट आपने एफ एक्स तो लिया यू एक्स में से, और जी एक्स सपोज करो वो आपने ले लिया आर एक्स से, और ध्यान रहे कि यू आपके पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, हमको आइडियल दिया हुआ है. ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका यू एक्स में जाएगा कि नहीं जाएगा. यस ऑफ कोर्स जाएगा. जैसे देखो अगर मैं एफ एक्स को लिख दूं, एफ एक्स को मैं यू लिख दूं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, ये एफ एक्स है, और जी एक्स मान लो मैं यू लिख देता हूं बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी एम एक्स एम, ये मैंने मान लिया ये. सपोज ये अच्छा ये ए आईज जो हैं ये सारे के सारे यू में से आएंगे, और जो ये बी आईज हैं ये सारे के सारे आपके आर में से आएंगे. ठीक है, अब जब आप एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स करने के लिए आप यहां पर देखेंगे कि ये ए नॉट है उन सब से मल्टीप्लाई होगा, और ए आई ए नॉट यू का एलिमेंट है, और यू आपके पास ऑलरेडी एक आइडियल है, तो ए नॉट ए वन ए टू इनको जब आप बी नॉट बी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे के सारे जो कॉफिशियंट्स है वो यू में पक्का आ जाएंगे, यू में आ जाएंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इंटू जी एक्स आपका यू एक्स को बिलोंग कर गया, यू एक्स को बिलोंग कर गया, तो यू एक्स एक आइडियल तो हो गया, तो आइडियल तो ये है. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमल आइडियल है क्या, हमको ये देखना है मैक्सिमल आइडियल है क्या. Ux आपके पास आइडियल तो है, ठीक है, मैक्सिमल आइडियल हम देखना चाहते हैं. तो वो लिखता है Ux मस्ट बी ए मैक्सिमल आइडियल, मस्ट बी ए मैक्सिमल आइडियल लिखा है. एक एग्जांपल ले लिखता हूं, 2z ले लिया और ये रिंग z ले ली CRU, 2z z का मैक्सिमल आइडियल है, यस, बट 2zx ये जो आइडियल है ये जेड एक्स का मैक्सिमल आइडियल नहीं है, दिस इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड एक्स. टू जेड इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, बट टू जेड एक्स इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड एक्स. वाई, टू जेड एक्स में क्या होंगे, टू जेड एक्स में वे वाले पॉलिनोमियल होंगे जिनके अंदर की सारे कॉफिशियंट्स इवन है, ठीक है, और इसमें तो सारी पॉलिनोमियल है ही,
इनके बीच में मैं आपको एक आइडियल दिखा देता हूं, आइडियल जनरेटेड बाय 2, x, ये इनके बीच में है, ऐसे है ये, यूं है ये वाला जो आइडियल है, इस आइडियल में वे वाले पॉलिनोमियल्स हैं जिनका कांस्टेंट कॉफिशेंट इवन है, और इसमें वे वाले पॉलिनोमियल है जिसमें सारे कॉफिशेंट इवन है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है और ये इसका प्रॉपर सबसेट है। तो 2zx और zx के बीच में एक आइडियल हमें मिल गया और एक आइडियल इनके बीच में मिल गया, तो इट मींस 2zx इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ zx, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो गया, फोर्थ भी डिस्कार्ड हो गया, सेकंड में बोलता है ux कैन नॉट बी ए मैक्सिमल आइडियल, और थर्ड में बोलता है ux मे बी ए मैक्सिमल आइडियल, इनफैक्ट ux कैन नॉट बी ए मैक्सिमल आइडियल, ux जो है rx का मैक्सिमल आइडियल हो ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, सुनो कि अगर ux rx का मैक्सिमल आइडियल हुआ तो आपके पास जो ये स्ट्रक्चर बनेगा rx mod ux, ये वाला स्ट्रक्चर, इफ ux इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ rx देन दिस स्ट्रक्चर मस्ट बी ए फील्ड, ये स्ट्रक्चर आपके पास एक फील्ड होना चाहिए, लेकिन ये हम जानते हैं कि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू r mod u x, इसको कह सकता हूं मैं, एंड दिस इज नॉट ए फील्ड, ये आपके पास एक फील्ड नहीं है, दिस इज नॉट ए फील्ड, ये हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर कि ये वाला स्ट्रक्चर फील्ड है, यस आर यू आर का मैक्सिमल आइडियल है, आर मोड यू आपके पास फील्ड है, लेकिन एफ ये भले ही फील्ड हो लेकिन ये स्ट्रक्चर कभी भी फील्ड नहीं होता है, एफ अगर आपके पास एक नॉन ट्रिवियल फील्ड है तो एफ एक्स आपके पास एक फील्ड नहीं बनता है। तो ux अगर rx का मैक्सिमल आइडियल हुआ तो rx mod ux एक फील्ड बनेगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू r mod u टाइम्स x, दिस r mod u इज ए फील्ड एंड बट r mod u x पॉलीनोमियल रिंग ओवर r mod u कैन नॉट बी ए फील्ड, दिस इज नॉट ए फील्ड, देयरफॉर ux कैन नॉट बी ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ rx, तो ux आपका rx का मैक्सिमल आइडियल हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर आ गया वो आ गया सेकंड, ux कैन नॉट बी ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ rx, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट बी के 21 से लेके 40 तक के SCQ हमारे हो गए। अब हम इसके बाद वो करेंगे अप्लाइड वाले पोर्शन के करेंगे क्वेश्चन SCQ के ही, ठीक है। SCQ की जो वीडियो है वो आपकी अलग आएगी और जो पार्ट सी के जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो अलग आएगी। चलिए, नो सर, यूनिट थर्ड SCQ क्वेश्चन नंबर 41। क्या दे क्वेश्चन नंबर 41 में आपको के सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन आपको दी है क्वेश्चन नंबर 41, साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x e टू दी पावर x माइनस t ut dt, ये आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। और खास बात क्या है, कर्नल आपका डिफरेंस कर्नल है, जब जब आपको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो और कर्नल आपका डिफरेंस कर्नल हो तो आपको वो क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए लैपलास से सोल्व करने का। अगर मैं यहां पर देखूं, यहां से कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाऊं तो क्या आएगा, साइन एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x स्टार यू एक्स टेकिंग लैपलास ऑन बोथ साइड, अगर हम लैपलास बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से लैपलास ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लैपलास ऑफ e टू दी पावर x इंटू लैपलास ऑफ u ऑफ x, और जैसा कि हम जानते हैं लैपलास ऑफ साइन एक्स होता है 1/s² + 1 और लैपलास ऑफ e की पावर x होता है 1/s - 1 इंटू में लैपलास ऑफ u ऑफ x। यहां से मैं क्या मिलेगा, सिमिलाइज लैपलास ऑफ u ऑफ x इक्वल हो जाएगा s - 1/s² + 1, और इसे अगर ओपन करके लिखे तो क्या आएगा, यहां से जिसमें लैपलास ऑफ u ऑफ x इक्वल टू s/s² + 1 - 1/s² + 1, क्लियर है।
अब दोनों तरफ क्या ले दो, लैपलास इनवर्स ले दो. जब लैपलास इनवर्स लोगे तो ux बराबर आएगा लैपलास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैपलास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1. और जैसे कि हम जानते हैं किसका लैपलास होता है, cos ऑफ x का. ये किसका लैपलास होता है, cos ऑफ x का, और ये किसका होता है, sin ऑफ x का. तो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज u ऑफ x इक्वल टू cos x और ये माइनस ऑफ sin x. जब हम ऑप्शंस को मैच करते हैं तो पहले ऑप्शन में दिया cos x, दूसरे पे sin x, और तीसरे ऑप्शन पे दिया है cos x माइनस sin x. तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड इसका आंसर आएगा, और फोर्थ ऑप्शन पे दिया है cos x प्लस sin x. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41, जो कि एक इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन था. अब चलते क्वेश्चन नंबर 42, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे दिया आपको, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 1/1 प्लस साइन ऑफ x. जैसे कि आप देख रहे हैं इक्वेशन है ये आपकी नॉन होमोजीनियस ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की. अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखता वो होगा वाई एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई. सी एफ स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल. सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, y डबल डैश प्लस y को क्या लेंगे, जीरो. यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी आपकी डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो. तो d इक्वल टू आएगा प्लस माइनस आइटा. तो सी एफ आएगा आपका सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स. ये आपका आया सी एफ. अब फर्दर पी आई निकालने के लिए जो मैं मेथड यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. जो मेथड में पीआई निकालने के यूज करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं वो यूज करूंगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. मैं पीआई मान लेता हूं यहां से पीआई इक्वल टू यू एक्स. सी वन को लेना है यू एक्स इंटू कोस एक्स प्लस वी एक्स इंटू साइन एक्स, वेयर यू एक्स इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रेशन y टू r बाई डब्ल्यू, यानी कि रोन्सकियन बोल सकते हैं इसे dx, और vx इक्वल होगा y1 r बाई डब्ल्यू dx. ये आपका c1 y1 प्लस c2 y2. तो y1 होगा cos x और y2 होगा sin x. यहां पे ये आपका होगा r, क्लियर है. ये आपकी टर्म r है, ये आपका y1 है और ये y2 है. अगर आपने ux और vx की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दी, तो आपका pi आ जाएगा. cf आपके पास ऑलरेडी है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ux. तो ux के लिए हमें यहां पे रिक्वायरमेंट है किसकी, w की. तो w होगा आपका y1 y2, y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव. तो y1 की वैल्यू cos x और y2 की वैल्यू sin x. cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x और sin x का cos ऑफ x. इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, जो कि इक्वल होता है 1 के. तो यहां से कैंसिल होगा, w की वैल्यू क्या आई 1. तो आपके पास W की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है, Y2 की वैल्यू भी, ऐसे W, R और Y1 की. तो आराम से आप इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं. तो यहां से UX क्या आएगा आपका, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y2, Y2 की वैल्यू है आपके पास साइन ऑफ X, और R की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस साइन X, और 1 ओवर W की वैल्यू है 1 इंटू में dx. तो क्या है आपके पास, माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स. जैसे ही आपने ये इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया तो आपका यूएक्स निकल जाएगा.
इस इंडिकेशन सोल्व करने के लिए हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे क्या, कि यू एक्स इक्वल टू माइनस को मैं बाहर रखता हूं, इंटीग्रेशन वन ऐड किया साइन एक्स में और वन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपॉन में वन प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है सबको? अब ये टर्म इसके जैसे क्या देगा, यहां से दिस सिंबलाइज यू एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। एक बार तो वन प्लस साइन एक्स को वन प्लस साइन एक्स के अपॉन में रखा तो वन आया, माइनस माइनस प्लस वन ओवर वन प्लस साइन एक्स। इसको तो आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं, तो यहां से यू एक्स क्या मिला आपको, माइनस एक्स। इसे फर्दर सोल्व करने के लिए कुछ बच्चों ने जब इसे डायरेक्ट ट्राई किया होगा सोल्व करने का तो वो सीधा इसे सोल्व नहीं कर पाए होंगे, वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि साइन एक्स को कुछ रख लो, वन प्लस साइन एक्स को कुछ रहो, उन्हें काफी सारी इसको सोल्व करने में, इस इंडिकेशन को सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। वन प्लस आप क्या करिए, इसे रैशनलाइज कर लीजिए। जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल? ये इंटीग्रेशन तो मैंने पहले ही सोल्व कर लिया था, जब इसे मैं फर्दर सोल्व करूं तो क्या आएगा, यहां से दिस इंप्लाइज यू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस यह आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन वन माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स डी एक्स। यहां से आपका यू एक्स क्या मिला आपको, यू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन ओवर कोस एक्स क्या बनेगा आपका, सॉरी वन ओवर कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स वन ओवर कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। को मैं लिख सकता हूं सीकेंट एक्स टेन एक्स और इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहां से दिस इंप्लाइज यू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज 10x एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स 10x इज सीकेंट एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये किसकी वैल्यू आई आपकी, यू एक्स की। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चों के मन में यह आया होगा कि सर ने इंटीग्रेशन तो सोल्व कर दिया लेकिन इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट को इंडल्ज नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप पीआई निकाल रहे हो तो पीआई इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यू एक्स। मैं वी एक्स को यहां पर निकाल लेता हूं एक बार। तो वी एक्स क्या आएगा आपका, वी एक्स इक्वल टू वन ओवर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई वन इज कोस एक्स वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स एंड वन ओवर वन यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू वन डी एक्स। तो क्या बनाइए, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। आप देखिएगा कि वन प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। जब किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो और वो फंक्शन डिनोमिनेटर हो, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स। तो आपको वैल्यू वी एक्स की मिल गई और आपको वैल्यू यू एक्स की मिल गई। तो यहां से आपका पी आई क्या आएगा, दिस एम्प्लाइज पी आई इज, तो यहां पे यू एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स कोस एक्स फिर प्लस 10x cos x माइनस secant x cos x प्लस vx के साथ में किसकी वैल्यू, साइन की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx, log ऑफ 1 प्लस साइन x इंटू में साइन x। इसे प्रॉपर सोल्व करें तो pi क्या आएगा आपका, pi इज माइनस x cos x, 10x क्या होता है साइन बाई कोस, तो कोस से कोस कैंसिल प्लस साइन एक्स और सीकेंड एक्स होता है 1 बाई कोस, तो कोस से कोस कैंसिल तो माइनस 1 प्लस साइन एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल? तो फाइनल आंसर क्या है आपके पास,
जो सॉल्यूशन आएगा आपका, जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, जो वाई एक्स आएगा, जो कि सी ए प्लस पी आई है, वो क्या आएगा आपका, सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। चलो जी, यहां से लिखता हूं मैं माइनस वन, माइनस वन को पहले लिख लिया, फिर प्लस साइन एक्स, फिर माइनस एक्स कोस एक्स, और फिर प्लस साइन एक्स लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया आपका, फर्स्ट आया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकंड ऑर्डर ओडी का, नॉन होमोजेनियस का, जो कि क्वेश्चन आपका सोल्व होना था किससे, बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, क्या कहा इसने कि लेट एक्स वन टी एंड एक्स टू टी डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0-2। एक्स वन टी एंड एक्स टू टी डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0-2 बी ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशियबल फंक्शन। ये आपको एक्स वन टी और एक्स टू टी दो क्या दे दिए, ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशियबल फंक्शन दे दिए, और जो कि किसे सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन, एक्स डबल डैश टी प्लस एक्स डैश टी प्लस एक्स टी इक्वल टू जीरो। एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन को एक्स वन टी एंड एक्स टू टी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है। इसने क्या कहा, लेट वाई टी विद द रोंसकियन ऑफ एक्स वन एक्स टू, क्या है कि जो वाई टी है वो क्या है, रोंसकियन है एक्स वन और एक्स टू का, एंड सेटिस्फाई। और क्या दिया कि जो वाई टी रोंसकियन है वो एट पॉइंट वन क्या दे दिया, जीरो। क्लियर है? क्या कहा इसने, लेट वाई टी बी द रोंसकियन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू एंड सेटिस्फाई रोंसकियन एट वन पॉइंट इज जीरो। अब ध्यान से सुनना रिजल्ट ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये देखो ये भी इसे सेटिस्फाई करता है, ये भी इसे सेटिस्फाई करता है, दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे, एक्स वन टी एंड एक्स टू दोनों क्या होंगे, सॉल्यूशन। और रिजल्ट क्या है, अगर सॉल्यूशन का रोंसकियन, अगर सॉल्यूशन का रोंसकियन एक पॉइंट पे भी, इंटरवल के एक पॉइंट पे भी अगर क्या हो गया, जीरो, तो रोंसकियन थ्रू आउट द इंटरवल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा इसने, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दिया इसने कि रोंसकियन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-2। क्या कह रहे हैं कि रोंसकियन कभी भी जीरो नहीं होगा इस इंटरवल में, गलत बात, क्योंकि हमने क्या कहा है कि अगर एक सॉल्यूशन का रोंसकियन एक पॉइंट पे जीरो होगा तो थ्रू आउट क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा इसने कि रोंसकियन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-2। क्या कह रहे हैं कि इस इंटरवल में आपको एक एक्स ऐसा मिलेगा जिसके के लिए, एक मिनट, यहां पे आपको टी लिखना चाहिए, नोट एक्स टी, क्योंकि हमें तो टी पे काम करना है ना। तो रोंसकियन स्ट्रिक्टली 0-4 टी बिलोंग्स टू 0-2, तो ये भी आपका गलत होगा क्योंकि रोंसकियन तो थ्रू आउट क्या होगा, जीरो। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा कि रोंसकियन स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर सम, सॉरी, फॉर टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-2, ये ऑप्शन भी गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया आपको कि रोंसकियन इज जीरो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-2, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका ठीक, और ये तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि
ओनाई डिफरेंशियल इक्वेशन का रोन्सकीन थ्योरी का एक रिजल्ट होता है कि अगर सॉल्यूशंस का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फ्यूड को सेटिस्फाई करती है, अगर उसका सॉल्यूशन का रोन्सकीन एक पॉइंट पे अगर जीरो हो गया तो थ्रू आउट रोन्सकीन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको जेड आपको दे दिया एक्स एफ एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस वाई, क्लियर है। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना बच्चों को सिखाते हैं, जनरल सॉल्यूशन। उसमें हम आप बच्चों को सिखाते हैं सीएफ कैसे लिखा जाता है। एक प्रकार से ये आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन। और आपको पहचानना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच है। पहले अप्रोच तो क्या है कि आप करली टू जेड बाई करली एक्स टू निकाल लो, करली टू जेड बाई करली वाई टू निकाल लो, करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई निकाल लो। ये तीनों चीजें आप निकाल लो और इन्हें फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में पुट करके देख लो। जो भी ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन को ये आपका करली टू जेड बाई करली एक्स टू, करली टू जेड बाई करली वाई टू, करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई सेटिस्फाई कर गया, वही क्या हो जाएगा आंसर। एक तो अप्रोच ये कि करली टू जेड बाई करली एक्स टू निकाल लिया, करली टू जेड बाई करली वाई टू निकाल लिया, करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई निकाल लिया, ऑप्शन में पुट करके देख लिया, जिस ऑप्शन ने सेटिस्फाई कर दिया वही क्या हो गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरी अप्रोच क्या है कि ये एक आपका सॉल्यूशन है। अगर आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से देखो तो मैं इसे लिख सकता हूं जेड एक्स एफ ओ वाई प्लस में एक्स प्लस जी ऑफ वाई प्लस में एक्स, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं इसे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर है। इसको अगर मैं देखूं तो ये सॉल्यूशन कब लिखा जाएगा, जहां पे अगर इस सॉल्यूशन को देखो तो एम की वैल्यू है वन वन, क्लियर है। और इसका मतलब जो इक्वेशन आपकी रही होगी वो क्या रही होगी, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन, इज इट क्लियर टू ऑल। एम डी डी से रिप्लेस करते हैं किसको, एम से, तो डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, करली टू जेड बाई करली एक्स टू माइनस टू करली जेड बाई करली, करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस करली टू जेड बाई करली ऑफ वाई टू इक्वल टू जीरो। और ये कौन सी इक्वेशन आपकी, सेकंड। तो आंसर क्या है इसका, सेकंड। जो अप्रोच आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्या कहा 45 में कि इफ क्वेश्चन नंबर 45 इज अगेन इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ यू एक्स माइनस यू वाई इक्वल टू 9। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यू एक्स माइनस यू वाई इक्वल टू क्या दे दिया 9, जो कि पासिस थ्रू एस एस थ्री एस। क्या कहा इसने, इफ यू एक्स माइनस यू वाई इक्वल टू 9 पासिस थ्रू एस एस थ्री एस देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जहां पे जीरो इज लेस देन एस इज लेस देन 1। ये जो आपका पैरामीटर दिया एस वो लाई करता है ओपन इंटरवल 0, 1 में। हमें इसके बताने हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। अगर मैं कंपेयर करूं इसे पी यू एक्स प्लस क्यू यू वाई इक्वल टू आर से, तो पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू -1 और आर की वैल्यू 9। तो यहां से पी एक्स वाई जेड इक्वल टू है 1, क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, आर एक्स वाई जेड इक्वल टू 9। इज इट क्लियर टू ऑल, ये वैल्यूज आपके पास है। तो पी नोट यानी कि एक्स नोट वाई नोट जेड नोट 1 आएगा क्योंकि रखने के लिए कुछ है ही नहीं,
और क्यू एक्स नोट वाई नोट क्यू नोट यानी कि एक्स नोट वाई नोट जेड नोट वो भी क्या आएगा वन और आर नोट एक्स नोट वाई नोट जेड नोट वो क्या आएगा नाइन. इज इट क्लियर टू ऑल? आपको क्या गिवन है? ये जो पैरामीटर है एक्स नोट एस बराबर एस गिवन है, वाई नोट एस बराबर एस गिवन है और जेड नोट एस बराबर क्या गिवन है 3s. ये पॉइंट्स हमें पुट करके, ये पैरामीटर हमें पुट करके ये वैल्यू निकालनी थी, लेकिन ये कॉन्स्टेंट है तो इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर्मूला क्या है कि अगर p नोट बाय dx नोट बाय ds, क्यों ds क्यों लिया मैंने, क्योंकि x नोट सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, s इंडिपेंडेंट है और x नोट क्या है डिपेंडेंट, तो dx नोट बाय ds अगर इक्वल ना हो किसके q नोट बाई dy नोट बाई ds के, तो अगर ये चीज होल्ड हुई तो हम क्या कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन. यहां से क्या बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन. तो रखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p नोट वन और x नोट s का s के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा वन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q नोट इज माइनस वन. क्लियर है? एंड y नोट की वैल्यू क्या है, y नोट s की वैल्यू s, s का s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो वन. ये तो आया वन, ये आया माइनस वन, क्या ये इक्वल है? नो no, ये इक्वल नहीं है. तो हम यहां से क्या कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर है? तो इसने हमसे क्या पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन गलत, यूनिक सॉल्यूशन ट्रू. थर्ड ऑप्शन में क्या कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी गलत. और फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा नन, तो वो भी गलत. तो आंसर क्या है इसका सेकंड. ये रिजल्ट हम बच्चों को अपने क्लासरूम प्रोग्राम में कराते हैं. क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है आपका. क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये क्वेश्चन आपका सीओवी का, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का. क्या दिया क्वेश्चन? द फंक्शनल, फंक्शनल आपको दिया 0 टू 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई डैश स्क्वायर डीएक्स, y 0 पे 0 और y ऑफ 1 पे 1. क्लियर है? इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए उससे पहले मैं एक छोटा सा तुम्हें 12th क्लास का रिजल्ट बताता हूं. अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो a से b और फंक्शन है fx विद रिस्पेक्ट टू x, आप कर रहे हो फंक्शन है x का और विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर रहे हो आप इंटीग्रेशन. तो रिमेंबर जो लोअर लिमिट होती है इंटीग्रेशन की, जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है लोअर लिमिट से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और जो अपर लिमिट है उससे लेस देन इक्वल होता है. इज इट क्लियर टू ऑल? ये एक छोटा सा रिजल्ट है लेकिन इसका बहुत यूज होगा यहां पे. क्या रिजल्ट? कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है लोअर लिमिट से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन इक्वल टू होगा अपर लिमिट से. इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखना. अब आप देखेंगे कि आपको जब आप इस क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करेंगे जो कि एक सीओवी का क्वेश्चन है, f क्या दे दिया, f इज ए फंक्शन ऑफ x y y डैश इज 1 प्लस x स्क्वायर y डैश स्क्वायर. क्लियर है? ऑप्शन क्या दिए हैं कि स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, वीक मैक्सिमा बट नॉट स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा, वीक मैक्सिमा बट नॉट स्ट्रॉन्ग मिनिमा. ध्यान से सुनिएगा, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा या वीक मैक्सिमा या स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो इसमें हम जो मेथड यूज करेंगे वो लिजेंडर कंडीशन यूज करेंगे. वो क्या है कि हम एफ वाई डैश निकालेंगे फंक्शन एफ का वाई डैश के रिस्पेक्ट में, दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे. तो जब इसका दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब रिजल्ट क्या है,
कि अगर एफ वाई डैस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए फॉर ऑल वाई डैस देन एक्सट्रीमल इज स्ट्रॉन्ग मिनिमम एक्सट्रीमल इज स्ट्रॉन्ग मिनिमम फॉर फंक्शनल ये रिजल्ट कि अगर एफ वाई डैस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए फॉर ऑल वाई डैस देन एक्सट्रीमल इज स्ट्रॉन्ग मिनिमा फॉर फंक्शनल इज इट क्लियर टू ऑल और एफ वाई डैस अगर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए फॉर सम वाई डैस देन एक्सट्रीमल इज वीक मिनिमा फॉर फंक्शनल फंक्शनल के लिए क्या होगा ये वीक मिनिमा ऐसे ही एफ वाई डैस अगर आपका लेस देन इक्वल टू हो जाए फॉर ऑल वाई डैस तो क्या कहेंगे देन एक्सट्रीमल इज स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा फॉर फंक्शनल और अगर एफ वाई डैस लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए फॉर सम वाई डैस तो यहां से क्या कहेंगे एक्सट्रीमल इज वीक मैक्सिमा फॉर द फंक्शनल ये आपका रिजल्ट है अब देखो आपके पास आया एफ वाई डैस टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर अब देखो इसमें वाई डैस तो आपको दिख ही नहीं रहा वाई डैस तो कोई कंडीशन ही नहीं है अब हमें जज करनी है कि ये क्वांटिटी आपकी लेस देन जीरो होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी क्या होगी अभी मैंने आपको बताया था अगर आप ए से बी पे इंटीग्रेट कर रहे हो एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लोअर लिमिट से तो एक्स बड़ा होगा और अपर लिमिट से क्या होगा छोटा अगर इस चीज को मैं देखूं तो यहां से क्या मिला इस चीज से आपको यहां से कि जीरो से तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल है वन से अब एक बात बताओ एफ वाई डैस आपका आया टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो वन आप इस एक्स यहां से कोई भी वैल्यू रखो तो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी इज इट क्लियर टू तो मैं लिख सकता हूं एफ वाई डैस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वाई डैस यू कैन टेक एनी वाई वाई डैस यू कैन टेक एनी वाई डैस कोई भी आप वाई लेके उसका डेरिवेटिव करके रखोगे तो ये चीज तो आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी तो यहां से क्या कहेंगे एक्सट्रीमल इज स्ट्रॉन्ग मिनिमा फॉर द फंक्शनल एक्सट्रीमल क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग पहला ऑप्शन क्या दिया स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा गलत सेकंड वीक मैक्सिमा बट नॉट स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा गलत थर्ड स्ट्रॉन्ग मिनिमा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया वीक मिनिमा बट नॉट स्ट्रॉन्ग मिनिमा गलत इसी यहीं पे मैं एक छोटा सा रिजल्ट आपको बताना चाहूंगा देखो इसने क्या कहा कि अगर कोई बात फॉर ऑल वाई डैस होल्ड हो रही है अगर ये बात फॉर ऑल वाई डैस हो रही है तो नेचर क्या आता है स्ट्रॉन्ग मिनिमा और अगर ये बात फॉर सम वाई डैस होल्ड हो रही है अगर ये वाई एफ वाई डैस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर सम वाई डैस हो रहा है तो क्या नेचर आता है वीक मिनिमा कुछ के लिए होल्ड होते ही फॉर सम मींस कुछ के लिए होल्ड होते ही तो क्या नेचर मिलता है वीक मिनिमा लेकिन फॉर ऑल होते ही क्या मिलता है स्ट्रॉन्ग मिनिमा एक बात सुनो जो चीज फॉर ऑल हो रही है तो क्या कुछ के लिए ओढ़नी होगी क्या सम के लिए ओढ़नी होगी तो यहां से स्ट्रॉन्ग इंप्लाई करता है वीक को अगर आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है और आपने आंसर कह दिया कि स्ट्रॉन्ग मिनिमा है या स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा है और एक ऑप्शन में आपको वीक मैक्सिमा या वीक मिनिमा इसके रिस्पेक्ट में अगर ये स्ट्रॉन्ग मिनिमा तो वीक मिनिमा का ऑप्शन भी आपको टिक करना पड़ेगा लेकिन वीक इज नॉट इंप्लाई स्ट्रॉन्ग इन जनरल ये आपका इंप्लाई नहीं करता क्योंकि अगर कोई बात कुछ के लिए होल्ड हो रही है तो वो बात फॉर ऑल होल्ड करे फॉर ऑल होल्ड करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका थर्ड क्लियर है ये थे आपके एससीक्यू के एफएलटी वन के अप्लाइड के क्वेश्चन
क्लियर है सबको?